हेलो दोस्तों, एक है हमारा सेकंड वीडियो कंट्रोल सिस्टम का। इसका टॉपिक है क्लोज लूप सिस्टम। बहुत ही आज लास्ट तक देखो, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। क्लोज लूप सिस्टम देखो, इसका नाम किसी सजेस्ट कर रहा है, क्लोज इसका मतलब जो हमारा सिस्टम है उसको क्या है, क्लोज लूप है, ठीक है। अब देखो, हमारा जो ओपन लूप सिस्टम था उसमें क्या था, एक इनपुट था, इनपुट क्या है, कंट्रोलर के अंदर जाता था, उसको कंट्रोल करते थे इनपुट को, फिर प्रोसेस करता है, इनपुट को प्रोसेस करता है, ठीक है। उसके बाद हमारा जो डिजायर आउटपुट वो मिल जाता था, ठीक है, वो था ओपन लूप में। अब क्लोज लूप में क्या है, देखो ओपन लूप में क्या होता था, हमारा जो आउटपुट है उसके साथ इंडिपेंडेंट था, रिलेशन नहीं है। अब इसके साथ क्या होगा, क्लोज लूप में हमारा जो आउटपुट है वो क्या है, फीडबैक देगा, ठीक है। इसको हम देखो, ओपन लूप और क्लोज लूप एक ही डिफरेंस है। ओपन लूप में क्या था, फीडबैक नहीं है, क्लोज लूप में क्या है, फीडबैक है। आउटपुट के साथ एक फीडबैक सर्किट है, ठीक है, वो फीडबैक देगा इनपुट में कि कितना, देखो वहाँ पर क्या था, आउटपुट के साथ इंडिपेंडेंट थे, ए पर क्या है, डिपेंडेंट है, ठीक है। इसका डिफिनेशन देखते हैं, इन क्लोज लूप सिस्टम द आउटपुट इज मेजर्ड कंटिन्यूसली एंड इज फीडबैक टू द इनपुट। देखो आउटपुट मेजर कर सकते हो एंड वो फीडबैक देता है इनपुट को, ठीक है, कंटिन्यूसली इनपुट को फीडबैक देगा। हमारा डिजायर आउटपुट क्या है, वो अब जब डिजायर आउटपुट मिल जाएगा वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो इनपुट है वो स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारा क्लोज लूप सिस्टम। अब देखो, द प्रेजेंस ऑफ फीडबैक कॉम्पेंसेट फॉर द डिस्टर्बेंस एंड इम्प्रूव द एक्यूरेसी ऑफ द सिस्टम। देखो हमारा जो डिस्टर्बेंस था, ठीक है, वो क्या होगा, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमारा फीडबैक है, क्योंकि फीडबैक देगा कि हमारा डिस्टर्बेंस हो रहा है और उसी के साथ हमारा कंट्रोलर और प्रोसेस काम करेगा, ठीक है, तो हमारा जो डिस्टर्बेंस है वो कम हो जाएगा, ठीक है। हमारा एग्जाम्पल क्या है, देखो एयर कंडीशनर एंड गीजर, हमारा देखो घर में जो एयर कंडीशनर रहता है, ठीक है, देखो वो हमारा क्या है, क्लोज लूप सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। क्यों, देखो जब हमको गर्मी लगता है क्या है, एयर कंडीशनर वो अपने आप क्या हो जाएगा, हमारे घर को टेम्परेचर को कंट्रोल में ला जाएगा। देखो बहुत देखो एयर कंडीशनर में हमारा क्यों, इसके साथ फीडबैक है, इसका मतलब देखो एयर कंडीशन को पता है कब हमको स्विच ऑन करना है, कब हम स्विच ऑफ करना है। अब देखो गीज़र क्या है, वाटर हीटर हमारा जो ओपन लूप में क्या था, जो रॉड था, ठीक है, जो रॉड बाल्टी में डुबाते थे, उसको पता नहीं है कब कितना गर्म होगा और कब ऑफ करना है, बट गीज़र को पता है। देखो गीज़र अपने आप स्विच ऑफ हो जाएगा, अगर पानी गर्म हो जाएगा तो गीज़र का क्या है, अपने आप ऑफ हो जाएगा। फिर अब 10-20 मिनट के बाद अगर पानी हमारा ठंड हो जाएगा, फिर गीज़र ऑन हो जाएगा, फिर हमारा पानी को क्या करेंगे, गर्म कर देगा, ठीक है। ये है ऑटोमेटिक, ठीक है, ये हमारा क्या है, क्लोज लूप सिस्टम का एग्जाम्पल। अब देखो ओपन लूप एंड क्लोज लूप सिस्टम का डिफरेंस क्या है, इसको समझता हो, ठीक है। हमारा क्लोज लूप सिस्टम बहुत सी समझने आ गया। अब देखो ओपन लूप सिस्टम एंड क्लोज लूप सिस्टम, इसका डिफरेंस एक्यूरेसी। ओपन लूप सिस्टम का क्या है, एक्यूरेसी लो है, क्लोज लूप सिस्टम का क्या है, एक्यूरेसी हाई है। अब देखो ओपन लूप का क्या है, एक्यूरेसी लो, इसका मतलब ए नॉट रिलायबल है, और क्लोज लूप सिस्टम का एक्यूरेसी हाई है, इसका मतलब ए मोर रिलायबल है। देखो और ओपन लूप सिस्टम इजी टू डिज़ाइन एंड क्लोज लूप सिस्टम कॉम्प्लेक्स टू डिज़ाइन। क्यों कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ पर फीडबैक सर्किट है। अब देखो ओपन लूप सिस्टम क्या है, लेस एक्सपेंसिव, क्लोज लूप सिस्टम क्या है, एक्सपेंसिव है। और इन दोनों में से मेन डिफरेंस क्या है, ओपन लूप सिस्टम में फीडबैक प्रेजेंट नहीं है, क्लोज लूप सिस्टम में फीडबैक प्रेजेंट है, ठीक है। थैंक यू भाई। देखो हमारा इस क्लोज लूप सिस्टम बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, उसका एग्जाम्पल होगी सर, इसको याद रखना। थैंक यू, इसका थर्ड वीडियो आ गया। थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।